महावन चतुर महावन नंदनंदन का आशीर्वाद और बाल्यलीला का स्थान है, ये सबसे बड़ा वन है, इसलिए उनको बृहद वन थे। कंस यहाँ पर दो ऋषियों को भेजा था, इसलिए पुतना पुनावर्तो शीता भी, इसलिए नंद महाराज गोकुल से थोड़ा दिन के लिए वृंदावन में था, उसके बाद नंदग्राम में जाके निवास किया, ये नंदग्राम में स्थल किया था, वहां पर चला गया। महावन अष्टम धर्म रूप से उल्लिखित हुआ है, भक्ति रत्नाकर बराबर अष्टम पद, बारवन का नाम है अष्टम, महावन अष्टमंतु सदैव तो मम प्रियम अश्विन गत्वा तो दमुज इंद्रिय के मही असे जगन्नाथ यति पंच कुंडल दत्त के पार्थते पर्यंत जत्र शकटम इंद भांड कोटि घटम। आदि बड़ा भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में है। अष्टम महावन मेरा अत्यंत प्रिय है, भविष्य वहां जाने से इंद्रलोक में पूज्य होता है। महावन में जगनार्जुन तीर्थ और कुंड है, जगनार्जुन तीर्थ स्थान में बाल कृष्ण ज्योति विद्या का भंड तो कोटि कलश तोड़ दिया है, और एक तो शकट को बैलगाड़ी को उसको उल्टा दिया है। आदि पर हम देखो नंद वसुदा आलय महावरे इतना जी जय रंग ताके ताके बदली दी जाए, यही देखो कृष्ण चंद्र जन्म स्थान सुखते लोग देखिए था नंदरी भी वन रजगोम गति धाई आई से स्थान अंगने सुख जन्म से हो यही खाने भक्त रत्नाकर में लिखा है। रघुनाथ पंडित दक्षिण भारत का श्रीवासम ठाकुर को दिखाते हैं, देखो ये महावंदे नंद भारत जशोदा का आलय है, घर है, यहाँ पर जो जो लीला हुआ वो स्वर्ण ना करना, जो वर्णना कर सकते कोई वर्णना नहीं कर सकते। ये स्थान कृष्ण का जन्म स्थान है, पुत्र को देखकर नंद महाराज जशोदा देवी आज सबका आनंद हो, गोप गोपी यहाँ पर दौड़ के आया, पुत्र जन्मत का यहाँ पर हुआ, ये बात भक्ति रत्नाकर ने लिखा है। संबंध घाट जो घाट में हम लोग भेजा है, यहाँ पर कृष्ण बाल लीला का स्थल में मृत्यु हकल किया, अभी बच्चा लोग जो देखता है मुझको डालता है, कृष्ण और ग्वाल बाल का सब घूम रहा है, यहाँ आके मिट्टी खाने लगा, तो ग्वाल बालों ने जाके जगह माता का पद शिकायत की, माता जी कन्या मिट्टी खा रहे खा रहा है, तो माता जी का विश्वास नहीं हुआ, मिट्टी भी खाने का चीज है, बाबू जी बोलेगा तो विश्वास करेगा, दाऊ जी उनका बड़ा भाई है, सखा का मूल्य प्रधान है, दाऊ जी को पूछा कभी मिट्टी खाया, हाँ बच्चों की खाया, गोविंदा रानी का चिंता हुआ, मिट्टी खाने से पेट में गड़बड़ी होगा, चूड़ा भी होगा, भगवान के पेट में क्या होगा, डर डर हो गया, वो तो भगवान नहीं देखते अपना बच्चा देखते, हमारा लड़का तो बहुत खतरनाक है,
सब जितनी पकड़ लिया इसलिए देखता हूँ, वैसे में वैसे की प्रकृति भी नहीं देखता है। और कृष्ण भी अपना वैशुद्ध भाव को संवरण कर लेते, यहाँ पर कृष्ण मिट्टी खाया इसलिए इसको मिट्टी खाने का बाद ब्रह्मांड दिखाया अपना मुख ने, इसको ब्रह्मांड घाट है। इनका प्रेम नेत्र है वो देखेगा, प्रेम नेत्र नहीं देखेगा। यथा कृष्ण मृत्यु का भक्षण कहिल सुखे, योगेश्वरी ब्रह्मांड कहिल कृष्ण मुखे, हेतु ब्रह्मांड घाट नाम से विहार, देखो जमुना तीर सोह चमत्कार, जशोदा आनंद बसी प्रतिबल सने, देखो पुत्र चारु सुभा अंगमणि। योगों का कितना लाभ है, आनंद करी विश्व ब्रह्मांड वैकुंठ का सत्य का मालिक उनका पुत्र से प्रकट हुआ, अपना पुत्र से उनको प्यार कर रहे हैं, उनका रूप दर्शन कर रहे हैं, उनका उनका बरंदा में गुप्त भी चल रहा है, कितना उनका सौभाग्य है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे रास्ते में सूचना का बहुत स्थान, सूचना का बहुत स्थान, सूचना को इतना होता है इसलिए गर्म में बोली भारत को कन्या रत्ना बोली है, जो पाव मंदिर देवता का इच्छा पूर्ति करने के लिए बामन रूप से भगवान अर्थात बामनों से नाटा बहुत छोटा बामन रूप से कष्ट ऋषि अभिंद का अवलंबन करके जन्म लेकर उसके बाद उनका दह संग्र में स्मरण संस्कार हुआ, तब भिक्षा करने पड़ता है। तो वहां पर भीम भक्त क्षेत्र में राम को बंद कमंडल लेके क्षत्रिय वहां पहुंचे, बलि महाराज उनको स्वागत किया, बलि महाराज का मैं क्या सेवा कर सकते हैं, पिता भूमि मांगा था परिवार हार दिया, मैं तो प्रियत पति हूँ, मैं आपको जन्म बुद्धि ऐसा दे सकता हूँ, आप तो नाता है आपको बुद्धि भी नाता है, कृपा भूमि आपका तो बहुत छोटा स्थान है, मुझसे दान लेकर जैसा भी दान देंगे तो मेरा अपमान होगा, आप फिर सोचिए। बावन देव कहते मैं ब्राह्मण हूँ थोड़ा सी मैं प्रसन्न हूँ। अभी शुक्रगुरु संबंध है परिवार के संबंध, परिवार से बोल दिया तुम उसको क्या समझो, अगर हम ब्राह्मण है छोटू ब्राह्मण है कृपा जी का व्यक्ति का सर्व तिलक ले लेगा नहीं देना, परिवार को तो मैं तो जवान दे चुका हूँ, जवान खराब कर सकता है तो पाप नहीं होता है, बहुत कुछ प्रमाण दिखाए, लेकिन बलि महाराज गुरु जी का दास नहीं सुना, एक भगवान है आपका एक भगवान की सेवा के लिए कर नहीं थे, इसको सोच कर शास्त्र गया शंकर में मैं लिया मैं साथ पिता गुरु दान किया, तब बावन त्रिमुख मूर्ति धारण करके करा ले लिया, पूरे पायर से एक पैर को भूमि नहीं रहा, जब बलि महाराज को बोला और एक पास ठीक है तो सारा चला गया, इसमें मेरा दुख नहीं है और तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बलि महाराज का पान लिया। अभी रत्नावली जो है बलि महाराज का कन्ना बहुत खूबसूरत छोटा से रामंदर को देख के उनको पुत्री से गोद पर लेकर स्थान भी रह गई, जब देखा पिता का सारा ले लिया और बांध लिया तब तो उनका अंदर में गुस्सा है, मैं इसको जहर पिला के बाहर दूंगी, वही रत्ना बोली पुतना हो गया, भगवान की इच्छा ऐसी है उनको पुतना को भेजा, तब सब सब बच्चों को मारो, अभी गरीबानी हुआ तुमको जो मारेगा जो सोचा मन जन्म लिया
सब गुरु राक्षसी को भेंगे फिर चले गए बच्चों को मार दो जा मिले सब बच्चों को मारते मारते हुआ आया गंधर्वन वहां पर आके एकदम आसमान से आ गया रात को माया भी जो है ना बहुत माया का रूप धारण कर सकते सुंदरी नारी मूर्ति धारण करके प्रवेश किया रोहिणी ने भी देखा देखते हुए बाधा नहीं किया वहां पर बड़ा को बच्चा को स्वा के डाल दिया स्वा कर दिया इतना खूबसूरत बच्चा है उनका प्यार करने को नहीं जानते माँ से जो ज्यादा प्यार दिखाती है वो भूख लिया है जा ही जाए लेकिन यमुना तो समझो उसका सुंदरी नारी मेरा लड़का को प्यार कर रही है नहीं समझा वही कृष्ण को गोद कर लिया लेके अपना स्तन को जहर मिला हुआ स्तन को उनका मुख में घुसा दिया कृष्ण का बहुत गुस्सा हुआ कृष्ण अपने छोटा हाथ को स्तन को और जैसे जो पीते हैं बहुत कष्ट लगा एकदम उसका प्राण तक पी लिया और उनका जो सुंदरी मूर्ति छोड़ के भयंकर मूर्ति होके छात मैन होके एकदम गिर पड़ा उसने खाल बन गया इतना खाल वो सर हम लोग देखेंगे गड्ढा हो गया भगवान का हाथ से मर गया इसलिए उनका सुगति हुआ इसलिए मछली भाव दिखाया भगवान प्रबंध हो गया इधर बहुत लंबा इतिहास है हमने बहुत बहुत सुना भगवान उनका वही मछली भाव से कपट मछली भाव कपट मछली भाव से स्थान दिलाया इसलिए कृतार्थ होके ऋषि मुनि को नहीं मिलता है उनको मातृशि को स्वामी प्रदान किया इस प्रकार विश्व को छोटे किसी आश्रम की जनता उनका आलोकित स्वयं विश्व को छोटे किसका स्वर्ण कर जाना वही था रहा है उसका बाद फिर आप लोग देखेंगे उसका बाद है जमुना जी भंजन स्थान जमुना जी भंजन स्थान वो बहुत बात यहाँ पर लिखा है बोलने तो बहुत मुश्किल है समय चला जाएगा संक्षेप में ही बात है वही कृष्ण का बारे में शिकायत किया आप लोग तो सुनते हैं बार बार गोप सब शिकायत किया गोपी सब शिकायत किया गोप नंदा महाराज को गोपी यशोदा माता को ये तुम्हारा जो बच्चा है कन्हैया इसका साथ आओ सब छोटा छोटा ग्वाल बाल है रात को आके मक्खन दही सब चोरी करते इसलिए उनको सावधान करना चाहिए ये क्या बात है हम लोग तो बंदे से हम दे सकता है नंद महाराज कन्हैया से पूछा तो ऐसा किया कन्हैया कैसे एकदम झूठ बोल रहा है गहरे भी पूछा तो ऐसा किया यही माता जी एकदम झूठ बोल रहा है वास्तव में उन्हें कृष्ण के लिए तैयार करके रख देते कृष्ण पिता माता से जगह नहीं मान सकता है इसलिए कृष्ण तो नंद महाराज का कोई अभाव नहीं है दूसरे घर में खाने का भी हो जाएगा और गोप गोपी का भी हिम्मत नहीं है नंद महाराज से कहे कि कृष्ण को खिलाएंगे इसलिए गोप गोपी की इच्छा पूर्ति करने के लिए चोर होके जाकर इच्छा झूठ बोला है सब एक दिन पकड़ लिया एक दिन कोई घर में नहीं थी तो आप जगदा देवी सुनाएंगी यही रोक नहीं लगी इस बार कृष्ण का थोड़ा भूख लाभ किया विष्णु
वहां पर आ गया। कृष्ण का पुत्र अब लीला अवकाश मंदिर से लीला सब भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त कृष्ण आके माता जी से कहा, मुझे भूख लगा, मुझे स्तन पिलाओ। माता जी कहते, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई नहीं है, नौकर नौकर नहीं है, कौन बकर निकलेगा, इसलिए तुम तंग मत करो। कृष्ण सुनता नहीं, तंग करने लगा, अश्वत्थ हाथ से मंथन दंड को पकड़ लिया। तो माता जी देखी जे तो बहुत तंग कर रहा है, इसलिए अभी कराए में दूध छान के चूल्हा में रख दिया, कुछ दूध से कुछ बनाएंगे, वो दूध उबाल के गिर पड़ रहा है। कृष्ण उतारने के लिए बोलते, कृष्ण उतारते नहीं, जबरदस्ती उतार के कृष्ण वहां गया कढ़ाई को उतारने के लिए। इससे कृष्ण का गुस्सा हुआ, गुस्सा से जितना मिट्टी भंडा है वो दही का भंडा उसको तोड़ दिया, और जितना और भंडा है जो दही बर्तन है उसको सारा तोड़ दिया, खा लिया, बंदर को खिलाया और सिक्का में रख दिया, उसको भी राज के उखड़ पर खड़ा होकर। माता जी जब वापस आया, देखा जी सारा भंडा टूटा हुआ है, तो कोई तो यहाँ पर नहीं है, कुछ चढ़ाया गया है, ढूंढने लगा, देखा उखड़ उखड़ खड़ा होके सब दही भंडर को तोड़ रहा है, छान खा रहा है, बंदर को खिला रहा है। तब माता जी देख लिया, तो लाठी लेकर मारने के लिए आया। जो माता जी को देख पाया तो कृष्ण छलांग मार के दूर रहा, लात तो पकड़ लिया, आज छोड़ूंगी ना। मृदा माता भी दौड़ने लगी, छोरी बेटा है जाना दौड़ नहीं सकती, और कृष्ण तो बच्चा है, बहुत बढ़ता है। माता जी का संकल्प है पकड़ूंगी, इसलिए माता जी का कष्ट देख कर कृष्ण का पति धीर हो गया, वत्सल्य प्रेम से वशीभूत हो गया। तब जमुना माता उनको पकड़ लिया, पकड़ में लेकिन लाठी से मार दे दिया, तो जोर से चिल्ला के रोने लगा। क्योंकि ब्रह्मा रुद्रादि देवता डरते हैं, तमाम अवतार का कर्म अवतारी राहुल जी की सेवा करते हैं, उनके जम भी करते, का लक्ष्य देखे चिल्ला कर रोने लगा। अब तो सुनते रह गया, माता जी देखा है बच्चे तो बहुत डर गया, अब डर के मारे से भाग जाए तो मैं मर जाऊंगी, मेरा तो एकमात्र प्यारा है पुत्र, ये बच्चा है, इसको भी अकेल नहीं है, इसको मारने से क्या होगा, भगवान को क्या समझ रहा है, बच्चा है अकेल नहीं है, इसलिए लक्ष्य फेंक दिया, गोद पर लेके उनको कसूली किया। कसूली करने के बाद उसके बाद शंकर जी ने उसको रस्सी से बांध के रखा, रस्सी लाया, लांगू कमती हो गया, जितना रोटिया गोविंद मार चौका रोटी जोर दिया, तब भी गोपाल का पेट का ढेर नहीं मिलता, सुबह होने से भी गोदरी में सुबह चले से गोपाल, उसका अंदर में असीम है, तो भगवान का ही अर्जुन को बहा सकते, हर वर्तमान दुआंगुल कमती है। आखिर में बेटा माधुरी का बहुत कष्ट हो रहा है, क्लांत क्लांत हो गया, पसीना निकाल रहा है, तब कृष्ण चिंता किया, मुझे तो कोई बांध नहीं सकता है, माधुरी को बांधने की इच्छा मतलब अवकाश नहीं, इसलिए माधुरी का बात सुनने पर उनसे मशीन होकर बंद कर दिया, बांध कर रख दिया। कभी कभी देखा जाता है माँ से बाप का भी प्यार ज्यादा होता है, कभी कभी देखा जाता है। अभी यहाँ पर कमलार्जुन जो है गोलकुगर मणिगिरी, वो जो है उदास में रहते थे, वहां पर गंगा के वहां पर गंगा के बिहार के कुबेर का कोई पुत्र, भोग विलास है, रुपया है, किसी को परवाह नहीं किया। नारद उसी रास्ते जा रहे थे, नारद देखा ही क्या बात है, सब देशा लोग कपड़ा पहन लिया, वो फैला दी, ये तो प्यार हो गया, उनके कल्याण करने के लिए अभिशाप किया, जो नारद पैरों के जन्म, पैरों के जन्म किया,
भारत को अभिशाप से जमुना जी पैर के यहाँ पर अभिशाप दिया तो वही गल्प में बोले फिर भारत के चल में गिर गया तो अपराध किया वो अपराध जब कृष्ण का आविर्भाव होगा तुम्हारा उत्थान अब वही समय आ गया कृष्ण को खोल के बांध के रखा कृष्ण खोल के लेके चलने भाव आप तो नहीं जाते क्या बात इतना बड़ा भारी उखोल के ले जाएगा तुझे बहुत अच्छा चिंता नहीं किया भगवान से सबको नहीं देखे वहां पर जमुना अर्जुन कह रहा है कह रहा हूँ वहां पर जाके ऐसे खींचा खींचे से वो पैर छोड़ के गिर गया वहां से नल कुमार मुनिगिरी देवता से धारण करके विष्णु का श्राप किया ग्वाल बाल सब देखा बहुत जोर से आवाज होकर जो गिर गया सब गो गुप की चिंता हो गया अभी बारिश अभी तो कोई हवा नहीं है तूफान नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे पैर कैसे गिर गया जोर क्या आया सब देखा एकदम कृष्ण का सामना भी सिरा कृष्ण का कुछ हुआ नहीं लेकिन बहुत चिंता हो गया बंद बाबा का हमारा बच्चा को ऐसा मर जाता उसे बांध के रखा उनका जनता माता को बहुत गाली दिया तुम्हारा क्या है तो बच्चों क्यों बांध दिया तो खोल गए तो बाप पिताजी का भी प्रेम ज्यादा होता जनता माता उसी को खोल दिया तो जमुनाथ जी बंधन था सब ग्वाल वालों ने कहे थे बंद भारत के आओ जिसका गो भाई उसके पास कहते हम लोग यहाँ पर देखा भरैया उखल को लेकर आया ये पेड़ का जोर से जिसमें ऐसा खींचा गिर गया उन्होंने विश्वास नहीं किया ऐसा छोटा बच्चा इतना फर्क पेड़ को गिरा सकते हाँ गिर गया देख के निकला कि कृष्ण को कन्हैया को क्या क्या बोला ऐसा बोला उन्होंने विश्वास नहीं किया बात सुंदर भाव है ना इसलिए वही जमुनार्जुन बंधन स्थान वो भी हम लोग देखेंगे वहां पर उखल में जो बच्चे का भांडव है वो भांडव स्थान वहां पर नहीं होगा वहां पर मंथन किया मंथन किया लेकिन उखल वहां पर आया वो दर्शन करके हम लोग नंद भवन में जाएंगे नंद भवन में वो भी बात हम बोल देते या तो किताब में तो बहुत लंबा चौड़ा बात है जमुनाथ जी भंजन स्थान है उतना होता है कपट भोग और मुक्ति चाहते हैं उनको कहते कपट भोग और मुक्ति 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 के बारे में जो उपदेश देते वो तो पुत्र राक्षस और जमुनाथ जी भंजन होता है वो उसका अभिजत्व विमान भूत हिंसा स्त्री संग हिंसा माया पर ध्वनि हो उससे प्राणी को हिंसा करते हैं अवैध स्त्री संग करते हैं शराब पीते ये सब ये अपने तो अंदर में है कृष्ण उसको बहुत दंड खूब है जमुना जी भंजन स्थान दर्शन करने के बाद दंड भवन प्रांत रहे वहां पर दंड भरत का खूब है चूल्हा में देखा जाता है उसको वहां पर देख के हम लोग को प्रणाम अभी वहां पर देखे गर्ग ऋषि आए थे उनको भी दिखाएंगे इसलिए वो हम लोग बार बार सुना शकर भंजन तो जानते हैं हम लोग अभी यहाँ पर नहीं बोलेंगे हम लोग अभी माटी खाई थी और माता यशोदा को मुख में बरात को ब्रह्मांड बताया था आप लोग शांति से बसे अम्मा एक तो बसे बोलो ब्रह्मांडारी भगवान की यमुना देवी की कृष्णा बलराम की नेताई गौर हरी जलाते न माते ब्रह्मांड घाट एक ने कृष्णो खेला कोते कोते माटी किए थे माँ यशोदा कृष्ण के माते आलो फूले छड़ी लिए तो गोविंद मुखेर मध्ये विश्व ब्राक ब्रह्मांड दिखाइए थे घाटे नामा से ब्रह्मांड घाट और ठाकुरे नामा से ब्रह्मांड घाटी इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट और भगवान का नाम ब्रह्मांड घाटी
बंगला भाषा में बोलते हैं, दोला नाई दोली नाई गोपी पद रेनु सही दूला मेके छिसर नंदे बेटा कानू जारे नित्या ब्रजर जाए और ब्रजर दूला लागे जाए दूला ना हो रती केमुन हो प्राणे को कौन दूला एक गोकुल दूला गोकुल दूला मध्य कृष्ण हाम दिए खेला आज ऐ दूला के कृष्ण खाए आज उस गोकुल दूला में भगवान कृष्ण हेम देके चलाए हेमा गोरी घोटू से खिलाए यहाँ की दूला को भगवान खाया है। यहाँ पर कृष्ण बलराम दोनों भाई का जन्म हुआ है और उसके बाद में ब्रज मंडल लीला किया है। ये चार धाम का माँ बाबा का जगह आपने नंद आलय देखे नंदेर आलय कृष्ण बाड़े से दिने दिने हमारे कथा बोलते पाले तो नंदेर आलय कृष्ण बाड़े दिने दिने एखने कृष्ण बलराम बड़ा हो पर वृंदावन रास करलो मथुरा ते कंसर बद्ध करलो गिरि गोवर्धन कन्नी उंगली पर धारण करलो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर बंशी बाजे एटा ब्रजवन वृंदावन नय वृंदावन ही ब्रजवन ब्रजर मध्य कृष्ण बलराम लीला करे छे एक ब्रज मंडल वृंदावन बोला जाए ब्रजर मध्य एटा प्रधान घाट आछे ब्रह्मांड घाट ब्रह्मांड मुखेर मध्य ब्रह्मांड जगाइए छे घाटे नाम ब्रह्मांड घाट होए छे ठाकुर नाम ब्रह्मांड बिहारी एखानकार महात्मा आछे माटी दूला खावा एखने कोथाउ हासते होबे कोथाउ नाचगान करते होबे कोथाउ हाम दीते होबे जैसे होबे गोकुलपुरी और दीते होबे हेमागोरी जैसे होबे गोकुल धाम करते होबे गोविंद श्री चरणे नाम बोलो राधा गोविंद की हासि कोय ना आनंद आसलो ना बोलो राधा गोविंद की सबाई माटी दूला खिए एक बार आर हासी करे आगे माटी दूला खावे और पर हासी करे पर भजन करते करते नंदालेते जाबे बोलो राधा गोविंद की नंद नंदन की सबाई की हमें माटी दूला खुआबे हमारे खाते से माटी दूला सबाई नहीं निबे बोलो कृष्ण बोले राम की नंद नंदन की निताई गौरी हरि यज्ञ भाग नहीं ले भैया जोगियों को ध्यान में नहीं आते हैं यज्ञ को यज्ञ में नहीं जाते हैं जोगी ध्यान जा वही नहीं यज्ञ भाग नहीं ले बाकी ब्रज को गोपिका हंसी हंसी माखन दे इसलिए भैया भगवान की परम कृपा से आप सबका परम सौभाग्य आज श्री गुरु महाराज जी के साथ में मन यात्रा कर रहे हैं शेष महिया से गड़िया से दिन से सूर्य से हो जा निरंतर गाँव और जाही अनादि अनंत अखंड या छेद या भेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पुनिहारे पचे ते उपार न पावे ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ बिना नाच न छरिगो
ऋषि मुनि सब हार गए, ब्रह्म ढूंढो पुराण गानन वेद ऋचा सुनो चौगुर चायन, देखो सुनो नहीं कबहू कि तो कैसे स्वरूप है कैसे सुभायन, हेर तहारे में पेड़ फिड़ो रस खान बताया, नो लोग लुगान ठाकुर जब थक जाते हैं तो बैठे पलोट तो सी राधे का पायन, कुंज में बैठ कर सी ठाकुर जी राधा ही कृष्ण कृष्ण ही राधा है, जब ठाकुर थक जाते हैं तो अपने अपना पैर दबाने लगते हैं, तो कौन से ठाकुर गोपाला गोपाला जब हमारे उस फल से बंधन किया है, जब माखन दूध क्या रहा है कि पूछ के पूछ क्या रहा है, दूध नहीं तो दूध छोड़ के ले दिया है, चलो चलो रास्ते कम नंद भवन 84 खंबा मंदिर। नंद भवन में 84 धाम लगा के एक
ধ্যান দেখা যায় তারপর যদি পূর্ণ আছে চার দিবার আবার ভেঙে যায় পড়ে যায় রাষ্ট্রীয় নেগাতি আর করে আমরা পূর্ণ আছে মাথা উপর রাখিয়ে যমুনাকে ধারে ধারে যমুনা পার করে এই করে শ্রীকৃষ্ণকে নামিয়ে গেছে এই জায়গা যশোদাকে মহামায়া হলো যোগ মায়া মহামায়া নন্দগো পকড়ে রাতা যশোদা গর্ভ সম্ভবা তথাস্তৌ নাম বিন্ধ্যাচল্যবাসিনী যোগ মায়াকে বসলে বটলকার মথুরা চলে গে यहाँ श्री बलराम आदर बाबूआ नंद नंदन भगवान आदर बाबूआ यहाँ पर ही महामाया योग माया चलूंगा जय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की भाव करे कृष्ण बलराम खेल वो तुने सारे सात वर्ष बाल्य लीला उतना मत अगासर मत नीलम चरण षष्ठी पूजा उदो कल बंधन हाव मने जाओ प्रधान बाड़ी श्री बलराम जन्मस्थान नंदाल अपना बाया हाथी के सादा प्रसाद सुन ले गया अरे आप नीचे पता करो तो भूलते सुनते पार देना अरे उसके बाद में बाबा नंद महाराज जय बोलिए नंद महाराज की एदी ने सादा प्रसाद नंद रानी जसोदामा নন্দরানী যশোদা মা গোকুলে নলাখ গায়ে দুধে মাখন কাত যশোদা মা নলাখ গায়ে দুধে ঝাল দিত তাতে নন্দালে কালো আছে শ্রী কৃষ্ণ বলরাম গোপাল লনি মাখন খাত জলটা হাত ধুয়ে দিত আম্মাটা পুছে দিত আম্মাটা চিহ্ন আছে এই 84 লম্বা নন্দ বাবার জিনিস গোবিন্দ গীত সর্বব্যাপী আছে এ গোকুল ধুলার মাহাত্ম আছে এ গোকুল ধুলা গোবিন্দ সমার আছে এই ধুলা শ্রীকৃষ্ণ ভায়া আর মা কো হা করে বিশ্বরূপ বতায়া গোকুল ধুলা মে আনে সে যমুনা মাই চান বনে সে গোবিন্দ পর্শ করনে সে কিঞ্চিত প্রসাদ ঈশা আপনি আসলে দেখতে বসলে
ब्राह्मण चौरासी खंबा Oh,
माथा टेको तुम भी टेको योग माया मंदिर प्राचीन योग माया मंदिर मंदिर से गोकुल महावन महावन दृश्य द्वारका नाथ मथुरा नाथ द्वारका नाथ मथुरा नाथ द्वारका नाथ
प्रभु तीर
Yeah.